कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना केस की संख्या बढ़कर अब 2,36,657 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से अब तक देश भर में 6,642 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना केस की संख्या में पिछले 24 घंटों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। शनिवार को कोरोना के 9,887 नए पॉजिटिव केस सामने आए और 294 लोगों की मौत भी हुई। देश में कोरोना के 1,14,072 मरीज रिकवर भी अभी तक हुए हैं। तो देश में कोरोना के 2,36,657 मामले सामने आए हैं कुल। वहीं अब तक 6,642 लोग कोरोना के कारण जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 9,887 मामले सामने आए हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में 254 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। वहीं अच्छी खबर ये भी है कि लगभग 1,25,000 के करीब लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। दुनिया में 4,00,000 से ज्यादा मौत, हिंदुस्तान में 2,36,000 से ज्यादा केस, भारत में 6,642 लोगों की मौत। कोरोना वायरस के ये आंकड़े डरा रहे हैं। हर दिन आंकड़े खौफ पैदा कर रहे हैं। चीन में जन्मा कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बन चुका है। हाल इस कदर खराब है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही कोरोना हर रोज दुनिया भर में 1,00,000 से ज्यादा लोगों को बीमार कर रहा है। हिंदुस्तान में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत कोरोना का नया एपिसेंटर बन चुका है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना की 9,887 पॉजिटिव केस बढ़े और 294 लोगों की मौत हुई। देश में इस वक्त कोरोना के 2,36,657 केस हैं। 6,642 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,14,000 से ज्यादा लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना के दर्द से तड़प रही है। दिल्ली में हर दिन केस की संख्या 1,000 के आंकड़े को पार कर रही है। शनिवार को दिल्ली में 1,320 नए केस आए और अब तक दिल्ली में 708 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर अब 26,334 से ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली में रिकवरी रेट 40% से नीचे फिसल गया है। जिस राजधानी में देश की नीतियां बनती हैं, उसी राजधानी में हाल इतने खराब है कि अस्पताल मरीजों का इलाज करने की बजाय उन्हें एडमिट करने से साफ साफ मना कर रहे हैं। भैया बचा दो, भैया मेरा छोटा बच्चा, भैया। दिल्ली के अस्पतालों में मरीज एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं। इतने खराब स्थिति के बाद भी कई कोरोना पेशेंट को एडमिट करने से साफ साफ मना किया जा रहा है। जब यह बात दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंची तो अरविंद केजरीवाल एक्टिव हुए और कड़े शब्दों में चेतावनी जारी कर दी। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था, पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था आपका अस्पताल। जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी की है। हर अस्पताल को उस गाइडलाइन पर खरा उतरना है। इसके बावजूद अस्पताल लोगों की जान के साथ खेल रही हैं। केजरीवाल के सख्त तेवर का पहला ट्रेलर दिखा दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ। सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल पर FIR करवाई है। FIR में आरोप लगाया गया है कि गंगाराम अस्पताल ने टेस्टिंग डाटा के खिलाफ RT-PCR ऐप का उपयोग नहीं किया है। इसीलिए गंगाराम अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ दिल्ली सरकार ने FIR दर्ज करवाई है। कल से मेरी टीम लगी हुई है, हमने 2-4 अफसरों को बिठाया। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिस जिस की लिस्ट है, जिस जिस को कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक 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 के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं
उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा। अस्पताल पर सख्त एक्शन के बाद अस्पताल प्रशासन जागा और सफाई दी। इस मामले पर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा ने क्या कहा, सुनिए। हमने जो कभी कालाबाजारी की नहीं, पता नहीं कालाबाजारी क्या होती है। हम तो एक ईमानदारी से पेशेंट का इलाज करते हैं और तुरंत उनको वो करते हैं। केजरीवाल की सख्त चेतावनी पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी अब सख्त हो गया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से डॉक्टरों को चेतावनी और अस्पतालों को धमकी दी है, उसकी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन कड़ी निंदा करती है। इस महामारी के वक्त दिल्ली के डॉक्टर पहले से ही बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उन्हें और हेल्थ केयर सिस्टम को और दबाव में डाल रही है। हमारी मांग है कि टेस्टिंग के लिए जरूरी सुविधा मुहैया करवाई जाए, जिससे महामारी का जल्द पता लगाकर इलाज किया जा सके। जो अस्पताल कोविड का इलाज कर रहे हैं, उनके पास टेस्टिंग लैब फैसिलिटी होनी चाहिए। डीएमए की इस चिट्ठी के मजमून से साफ है कि अभी तनातनी बनी रहेगी, लेकिन क्या इस तनातनी से कोरोना के इलाज के लिए भटक रहे मरीजों को इलाज मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। भैया बचा दो भैया, मेरा छोटा बच्चा भैया। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल निजी अस्पतालों को चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना मरीज इलाज के